हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ मनीषा वेलकम टू एम एजुकेशन पॉइंट आज का हमारा टॉपिक है पीसीवी जिसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट भी कहते हैं पीसीवी क्या है इसकी कौन कौन सी मेथड होती है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन uh, एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जैसे कि अभी यू एन की भी वैकेंसी निकली हुई है एम पी की वैकेंसी भी निकली हुई है तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम डेफिनेशन की बात करें तो द पैक्ड सेल वॉल्यूम आल्सो कार्ड हिमेटोक्रिट मैंने अभी आपको बताया कि पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीवी को हम एच यानी कि हिमेटो भी कहते हैं इसमें इसके नाम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिमेटो का मतलब क्या होता है ब्लड ठीक है और क्रीट का मतलब हम समझे सेपरेट तो यानी कि ब्लड को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा आरबीसी जो कि सेटल डाउन हो जाएगी और वही हमारा पीसीवी है कैसे है वो हम देखेंगे तो पैक्ड सेल वॉल्यूम आल्सो कॉल्ड हिमेटोक्रिट एस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इरेड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द वूल ब्लड सैंपल जो हमारा वुल ब्लड सैंपल है ठीक है ये जैसे कि मान लो हमारे पास एक ट्यूब है और इसमें हमारा क्या है ब्लड है जब इस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमारी आर जो है वो नीचे सेटल हो जाती है ठीक है नीचे सेटल डाउन हो गई और यहाँ पे बीच में हमारा क्या बनता है बफी कोइड बनता है ये जो ऊपर का होता है इसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा ठीक है इसको हम कहेंगे प्लाज्मा ये हमारा है बफ़ी कोयट ठीक है और ये यहाँ पे हमारी क्या होगी आरबीसी तो ये जो वूल ब्लड में से जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इस आर ने वूल ब्लड में से कितना कब्जा कर रखा है ऑक्यूपाइड बाय इरेथ्रोसाइड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द वूल ब्लड सैंपल यानी कि जो हमारे वूल ब्लड सेल की जो वॉल्यूम है सॉरी वूल ब्लड सैंपल की जो वॉल्यूम है उसमें से इरेथ्रोसाइड ने कितना कब्जा किया है कितना ऑक्यूपाइड है कितना परसेंटेज उस आर का है ये हमारा क्या कहलाता है पी ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इंडिकेट द रेड सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड कंसंट्रेशन क्योंकि आर है तो आर में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है ठीक है तो ये क्या इंडिकेट करता है जो एक एप्सल्यूट वैल्यू पीसीवी की क्या इंडिकेट करती है एक तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को भी हीमोग्लोबिन कंटेंट को भी और आरबीसी को भी ठीक है ये सबको इंडिकेट करती है रेड सेल वॉल्यूम यानी कि रेड सेल्स को भी हीमोग्लोबिन कंटेंट को भी और कंसनट्रेशन को आई होप आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया हो मेथड्स होती है डिटर्मिनेशन करने की माइक्रो हिमेटोक्रीट और माइक्रो हिमेटोक्रीट फर्स्ट वन हम बात करेंगे किसकी माइक्रो हिमेटोक्रीट मेथड की माइक्रो हिमेटोक्रीट प्रिंसिपल की बात करें तो एच यानी कि हिमेटोक्रीट इज यूजली डिटरमाइंड बाय यूज स्मॉल कैपिलरी ट्यूब फिल्ड विद ब्लड एंड सेंट्रीफ्यूज यानी कि एच क्या है हम इसको एच uh, क्या है ये मैंने आपको बताई दिया है तो इसको हम कैसे डिटर्मिनेट करेंगे माइक्रोहिमेटिक रेट के द्वारा तो हमारे पास एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होगी जैसे कि ये ये एक प्लेन कैपिलरी ट्यूब है जिससे हम बी करते हैं नॉर्मली तो ये सी हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब भी आती हुई और प्लेन कैपिलरी ट्यूब भी आती है जिससे हम पीसीवी को मेजर करते हैं ठीक है हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब जो होती है ये मैं स्पेसीमेन में बताऊंगी आपको तो स्पेसीमेन हम क्या लेंगे इसमें प्लेन कैपिलरी ट्यूब अगर हम प्लेन कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं विदाउट हैपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब जिसे हम क्या कहेंगे प्लेन प्लेन कैपिलरी ट्यूब तो हमें इडीटीए वीनस ब्लड की जरूरत होगी जो हम वीनस ब्लड कलेक्शन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो वीनस ब्लड हमारा कलेक्शन जो होता है उसको हम इडीटीए ट्यूब में अगर लेते हैं ठीक है तो उसके लिए हमें क्या फिर प्लेन कैपिलरी की ट्यूब चाहिए होगी यानी कि हम जब प्लेन कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो हमें एडिटी विनस ब्लड चाहिएगा और जब हम हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं तो हम स्किन पंक्चर के द्वारा भी उस ब्लड को फिल कर सकते हैं यानी कि जैसे कि मान लो कि ये हमारी कैपिलरी ट्यूब जो है वो हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब है तो आपने यहाँ पर स्किन पंक्चर किया और इस कैपिलरी को आप फिल कर सकते हो ब्लड से और इसके द्वारा आप किसी भी मिजर कर सकते हो और अगर हिपेरिनाइज नहीं है आपके पास प्लेन कैपिलरी ट्यूब है तो आपको फिर जो वीनस ब्लड कलेक्शन किया है आपने उसको आपको एडीटी वाइल में लेना पड़ेगा क्लियर है रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी हमें तो अगर हिपेरिनाइज कैपिलरी है तो वो ले सकते हो या फिर प्लेन कैपिलरीज भी ले सकते हो कैपिलरीज की लेंथ जो होती है वो सेवन सेंटीमीटर होती है और डायमीटर जो होता है वो वन एम mm होता है और माइक्रो माइक्रोहिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होगी पी रीडर की जरूरत होगी सीलेंट और जिसे प्लास्टिसिन या मॉडलिंग क्ले ठीक है सीलेंट का यूज क्या होगा हमारे पास तो जैसे कि एक प्लेट जैसे होगी ठीक है एक ऐसी प्लेट होगी जिसमें बीच में सीलेंट लगा हुआ होगा जो कि प्लास्टिसिन या फिर मॉडलिंग क्ले हो सकता है जिसके द्वारा हम जैसे ही हमने कलेक्शन किया तो उसको हम जो सीलेंट है उसमें लगा के उस ट्रे में रख देंगे ठीक है उसके बाद में तो ये हमारा हो गया है प्रिंसिपल भी हो गया है रिक्वायरमेंट भी हो गई अब इसकी मेथड की बात करते हैं और भी रिक्वायरमेंट जो भी जैसे ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है जैसे सी रेंज कॉटन स्वैप टॉर्निकेट ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ तो उनकी ज़रूरत भी हमें लगेगी क्योंकि कलेक्शन करना है ठीक है तो हमारे इसके मेथड की बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी प्रोसीजर तो माइक्रो एमेट्रिकेट की प्रोसीजर क्या होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिल टू कैपिलरीज ट्यूब विथ ब्लड ईडीटीए और हिपेरिनाइज एटलीस्ट हमें कम से कम दो कैपिलरी ट्यूब को फिल करना है ठीक है अगर आप हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट स्किन पंक्चर से भी ब्लड ले सकते हो और अगर प्लेन ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपको ईडीटीए ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है आपने उस कैपिलरी को फिल कर लिया है देन क्या करना है सील द एंड ऑफ ट्यूब विथ सिलेंट जो मॉडलिंग क्ले या प्लास्टिसिन जब भी जो मैंने आपको बताया था तो वो सिलेंट आप यूज़ करके इस तरीके की एक ट्रे होती है छोटी सी ठीक है जिसपे यहाँ पे इस तरह आप रख सकते हो उस कैपिलरी ट्यूब को और यहाँ पे जैसे वो लगा हुआ आता है सीलेंट या आ, क्ले लगा हुआ आता है तो जैसे ही हमारी ये कैपिलरीज ट्यूब है एक मिनट हाँ जैसे ही हमारी ये कैपिलरी ट्यूब है तो इसको आपने ब्लड को यहाँ से आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया है जैसे ये पेरेनाइड ट्यूब है ब्लड को आपने ले लिया है आप क्या करोगे ये जो आपका सीलेंट है आप इस साइड इस साइड से सीलेंट को लगाओ इस सॉरी यहाँ से आप सीलेंट को उठाओगे और आप इसको इसकी जगह पर रख दोगे ठीक है आपको यहाँ रख देनी इसको तो वो ब्लड जो है वो एक साइड आ जाएगा इधर से वो फ्री रहेगा उसके बाद में प्लेस द ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज जैसे ही आप पर सिलेंट जो है वो लगा देते हैं उसके बाद में ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज एंड मेंटेन बैलेंस ठीक है उसके बाद में आपको इस कैपिलेरी ट्यूब uh, को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखना है जो कि इस टाइप का होता है जैसे कि राउंड बने हुए हैं यहां पे इस तरीके से स्पेस होगा जिसके बीच में आप यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब रख सकते हो जैसे कि ये हमारा सेंड्रफ्यूज है ठीक है और यहाँ पे बीच में आपने ये कैपिलरी ट्यूब आप इसको इस तरीके से रख सकते हो तो आपको बैलेंस बनाने के लिए एटलीस्ट दो कैपिलरी ट्यूब आपको लेनी है ठीक है और अगर, अगर आपके पास और भी है तो वो रख सकते हो बट अगर एक पेशेंट के बना रहे हो तो दो बना लो ताकि कभी एक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे हमारे पास रहे ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ऐसे रहेगा इसके सामने आपको इस तरीके की कैपिलरी ट्यूब रखनी है ताकि वो बैलेंस जो है वो मेंटेन होकर रहे ठीक है देन नेक्स्ट है हमारा क्ले एंड फेसिंग द सॉरी हाँ क्ले एंड फेसिंग द आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर ये जो क्ले एंड होता है इस कैपिलरी ट्यूब का जैसे कि हमने इस साइड से क्ले मॉडलिंग क्ले या प्लास्टिसिन जो या सील जो सिलेंट जो है वो इस साइड लगाया है तो ये हमारा किधर होना चाहिए फेसिंग आउट साइड अवे ये जो हमारा सेंटर है ठीक है इस सेंटर में वो जो क्ले का साइड है वो सेंटर में नहीं होना चाहिए बाहर की ओर होना चाहिए और बाकी का जो इस साइड का जो एरिया है वो इस साइड होना चाहिए सेंटर में ये, आपको इधर सेंटर में रखना है वो जो क्ले है वो आउट साइड बाहर की ओर रखना है ठीक है सेट इज ए टाइम फॉर सेंट्रीफ्यूज एंड स्पिन फॉर टेन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है उसके बाद में क्या करना है सेट द टाइमर टाइमर सेट करना है सेंट्रीफ्यूज का एक पर्टिकुलर टाइम इसका सेट करना है और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है टेन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड आर पी एम पे रीड द पी सी वी बाई यूजिंग रीडिंग डिवाइस डू नॉट इंक्लूड ल्यूकोसाइड इन बफिकोइ यानी कि जैसे कि वो सेंट्रीफ्यूज ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में उसके अंदर इंटेग्रल जो है वो रीडर डिवाइस लगे हुए होते हैं जो कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूज होता है तो वो उसकी रिजल्ट जो है उसमें शो कर देता है और अगर ऐसा नहीं होता है आपके पास नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज है तो फिर इस तरीके का जो है वो रीडर आता है जो ग्राफ इसे बन ग्राफ इस पर बना हुआ होता है और एक इस तरीके से प्लेट लगी हुई होती है इसके अंदर अपन कैपिलरी ट्यूब को रखते हैं और वो ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर चालीस दस बीस तीस पचास इस तरीके से लगा लिखा हुआ होता है ठीक है फिर उसके बाद में हम इसको मीज़र करते हैं जैसे कि आपको यह दिखाई दे रहा है इस टाइप का होता है नेक्स्ट है हमारा उसके बाद में मैक्रोहिमेटोक्रीट मेथड मैक्रोहीमेटोक्रीट मेथड जो कि हम एक विंड्रॉप ट्यूब के द्वारा पीसीवी को मीजर करते हैं प्रिंसिपल इसका क्या है इन दिस मेथड पीसीवी सी वी डिटरमाइंड बाई यूज अ विंड्रॉप ट्यूब विच कैन आल्सो यूज फॉर ई ये वाली ट्यूब विंड्रॉप ट्यूब जो कि ये इस प्रकार की होती है ठीक है इस टाइप्स की विंड्रॉप ट्यूब होती है जो कि हम ई को मीजर करने के लिए भी यूज करते हैं और पी के लिए भी यूज़ करते हैं ठीक है तो हम पी सी वी इसमें विनड्रॉप ट्यूब के द्वारा ये रही हमारी विनड्रॉप ट्यूब ठीक है इसके द्वारा हम करेंगे जो कि ई एस के लिए भी यूज़ होती है स्पेसिमेन इसमें हमें एडिटिव ब्लड यूज़ होगा की बात करें तो रिक्वायरमेंट में हमें विंड्रॉप ट्यूब सेंट्रीफ्यूज मशीन पास्चर पीपैड और हमारा जो ब्लड सैंपल है उसकी रिक्वायरमेंट होगी और विंड्रॉप ट्यूब की बात करें तो ये है हमारी विंड्रॉप ट्यूब ठीक है जिसमें एक साइड जीरो से टेन तक मार्किंग होती है और एक साइड टेन से जीरो तक मार्किंग होगी ये हमारा जो मेन ड्रॉप ट्यूब है जिसमें एक साइड है जीरो से टेन तक और इधर है हमारी टेन से जीरो तक ये जो जीरो से टेन है इधर हम ई एस आर मीजर करते हैं और ये टेन से जीरो तक हम पी सी वी मीजर करते हैं हम अभी क्या मीजर कर रहे हैं पीसी वी तो ये जो टेन से जीरो तक है इधर हम पी सी वी मीजर करेंगे ठीक है लेंथ की बात करें हम तो इसकी लेंथ जो है ये लेंथ कितनी होती है इलेवन सेंटीमीटर ये इलेवन सेंटीमीटर और इसका इंटरनल वेट वेट जो सॉरी uh, डायमीटर जो होता है वो टू पॉइंट फाइव एम एम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू मैन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार पूछा गया है प्रोसीजर की बात करें हम इसकी तो फिल द विप ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ पास्र प्रिपेड टू द टेंथ सेंटीमीटर मार्क ठीक है ये जो हमारा टेंथ सेंटीमीटर मार्क है क्योंकि हम पीसीबी मेजर कर रहे हैं आपको मैंने अभी बताया था कि इसी ट्यूब से हम ए एस आर भी मेजर कर सकते हैं लेकिन हम पी सी भी मिज़र कर रहे हैं तो हम टेन से जीरो तक करेंगे ठीक है तो हम इसको फिल कर लेंगे पाश्चर पीपेड की हेल्प से तो ये हमारे पास ड्रॉपर है ये तो बहुत स्मॉल ड्रॉपर है बट इसके लिए जो है पाश्चर पीपेड स्पेसिफिक होता है जो इसके अंदर तक जा सकता है ठीक है तो उससे हमें इसको फिल कर लेना है टेन मार्क तक ठीक है टेन मार्क तक हम इसको फिल कर लेंगे उसके बाद उसमें जब हम इसको फिल करते हैं तो इसमें कोई एयर बबल जो है वो नहीं जाना चाहिए प्लेस द ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज एट तीन हजार आरपीएम ठीक है हम इस uh, ट्यूब को कहाँ पे रखेंगे सेंट्रीफ्यूज में तीन हज़ार आर पी एम पे तीस मिनट के लिए तीस मिनट के लिए जब ये सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो फिर आफ्टर थर्टी मिनट हम इसको निकालेंगे फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज से और इसकी रीडिंग नोट करेंगे ठीक है तो ये माइक्रो हिमाटोक्रीट और माइक्रो हिमाटोक्रीट प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू और इसके डिक्रीज होने से क्या होता है और इंक्रीज होने से क्या होता है ये बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो एज के हिसाब से या फिर हाइट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है बट मैन में जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है फोर्टी टू फिफ्टी टू या फिर फोर्टी टू टू फिफ्टी टू परसेंट ठीक है और वुमन में होती है इसकी थर्टी सेवन टू फोर्टी सेवन परसेंटेज होती है उसके बाद पी सी वी अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है अगर पी सी वी डिक्रीज होता है तो एनीमिया हो सकता है या फिर वीकनेस या फिर लो एजबी लेवल अगर पीसीवी डिक्रीज़ आ रहा है तो वो आपको एनीमिया हो सकता है या फिर एनीमिया की कंडीशन में पीसीवी लो आ सकता है ठीक है वीकनेस हो सकती है या फिर हीमोग्लोबिन काउंट अगर लो आ रहा है पीसीवी इंक्रीज होता है तो क्या होता है तो पोलिसाइथेमिया हो सकता है डिहाइड्रेशन uh, हो सकता है पानी की कमी हो सकती है और हार्ट या फिर किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है तो ये होता है मेन कारण कि किसी भी डिक्रीज होती है तो क्या होता है इंक्रीज होती है तो क्या होता है और सोर्स ऑफ इरर यानी कि जब हम ये मेथड कर रहे होते हैं माइक्रो हिमेटोक्रीट की बात करते हैं माइक्रो हिमेटोक्रीट में तो कुछ भी नहीं ज़्यादा केवल या तो आप जब उसमें फिल कर रहे हो उस विनड्रॉप ट्यूब को तो अगर उसमें कोई एयर बबल आ गई है तो उसके कारण हो सकती है या फिर आपने गीली ट्यूब यूज़ करी है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही उसको आपको सेकेंड टाइम यूज़ करनी है तो माइक्रो इमेटोक्रिट की बात करें हम तो उसमें इम्प्रॉपर सीलिंग के कारण हो सकती है जो भी हम सीलिंग प्लास्टिसिन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने सीलिंग सही से नहीं करी है तो उसके कारण भी फॉल्स रीडिंग आ सकती है या फिर इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट अगर आप एंटीकोगुलेंट ब्लड यूज़ कर रहे हो तो अगर आप उसमें एंटीकोगुलेंट जो है वो ज़्यादा है तो उसकी कंडीशन में भी हो सकता है टाइम एंड स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज़ जो सेंट्रीफ्यूज़ मशा मशीन हमारी है अगर हमने ज़्यादा टाइम तक सेंट्रीफ्यूज़ कर लिया उसको तो क्या हो जाएगा हमारी जो आर जो है वो बिल्कुल पैक्ड हो जाएगी ठीक है अगर कम हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो आर अच्छे से पैक्ड नहीं होगी इसलिए उसको उसका टाइम जो है वो पर्टिकुलर जो भी टाइम है उसका फिफ्टीन मिनट तो आपको उस टाइम में ही आप उसको सेंट्रीफ्यूज़ करना है और स्पीड भी इसकी ज़्यादा अगर हाई स्पीड रही तो भी वो क्या होगी जो भी मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड रही तो क्या होगा वो ट्रैप्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा ठीक है और अगर आ, लो स्पीड रही तो वो अच्छे से पैक्ड नहीं होगी ठीक है उसके कारण भी फॉल्स रीडिंग आ सकती है ये हमारा जो है जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इफ़ प्लाज्मा गेट इंट्रैप्ड इन द रेड सेल द वैल्यू ऑफ पी सी वी गेट लोअर यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है वो किसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है रेड सेल के अंदर अगर ट्रैप्ड हो जाता है जैसे कि हमारी ये आर इस तरीके से पैक्ड हुई है तो इसके अंदर अगर हमारा प्लाज्मा भी ट्रैप्ड हो जाता है तो पीसीवी की वैल्यू जो है वो लोअर साइड जा सकती है किस कंडीशन में होता है या तो सीकल सेल एनीमिया हो ठीक है या फिर मैक्रोसि सॉरी हाँ मैक्रोसिटिक एनीमिया हो ठीक है हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो थैलेसीमिया हो तो उस कंडीशन में ये होता है इवन जब हम उसकी प्रोसेसिंग जो है वो एग्जैक्ट तरीके से करते हैं उसके बाद भी ये ऐसा हो जाता है कि ट्रैप्ड हो जाती है प्लाज्मा आर में वो किस कंडीशन में होता है सीकल सेल एनीमिया या फिर जो भी मैंने आपको बताया था थैलेसीमिया हाइपोक्रोमिक एनीमिया उस कंडीशन में तो आई होप आपको पीसीवी जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू